अस्सलाम वालेकुम। आज हम टिंडे गोश्त बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ये सब सामान लिया है, बहुत सिंपल और कम सामान में बन जाता है। उसके लिए हमने 1 किलो टिंडे लिए हैं और ऐसे पीसों में कट कर लिया है। अब देख सकते हैं, दो करके और 4 पीस कर लिए। और ये ऐसे वाले टिंडे लिए हमने, डंडी वाले, जिसकी डंडी होती है बहुत ही मजे के और अच्छे बनते हैं, मलाई जैसे बिल्कुल। और 1 किलो गोश्त लिया हमने और 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच ग्रीन हरी मिर्चों का पेस्ट लिया ये, और 2 टमाटर लिए महीन काट लिए, और 2 प्याज लिए मीडियम साइज की, और ये गोल्डन ब्राउन कर लिए। अगर चाहे आपके पास ब्राउन हो रखे हो तो आप हाथ के हाथ कर लिएगा, क्योंकि हमने भी हाथ के हाथ करके और उसका हाथ से क्रश करके रख रखा है। और 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 चम्मच जो चाय का होता है वो लाल मिर्च ली है, रेगुलर जो यूज होती है, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून हमने ये चिकन पाउडर लिया है, बाजार में मिलता है नूरी चिकन पाउडर, वो लिया है। आपके पास नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया, ये कलर की वजह से लिया, पानी डालेंगे और इसे हम दिखा देते हैं। ये छील के हमने आपको दिखाने के लिए रखा था, छील के इसे ऐसे, ये देखिए, ये हमने सरसों का तेल लिया, इसी में ही हमने प्याज लाल करिए और है ना लाल करके निकल लिए, 4 चम्मच हमने ये जो इसमें चम्मच है इसी चम्मच से नाप के 4 चम्मच तेल लिया, ये देखिए हमने छील लिया ऐसे करके, 2 पीस करें और फिर ऐसे कट कर लिए, 4 पीस कर दिए सारे टिंडों के ऐसे ही। ये देखिए कितने कच्चे से होते हैं, बहुत ही मजे के बनते हैं ये वाले टिंडे, और ये इसी मौसम में आते हैं, ये दिखाते हैं आपको। ये हमने इसी तेल में ही प्याज लाल करिए और ये फ्राई करके और चूरा करके रख लिया, आप भी ऐसे ही करें, ठीक है, डाल देते हैं वापसी। ये 2 प्याजें ली हैं हमने मीडियम साइज की, इसी के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, नहीं तो प्याज और डार्क हो जाएगी, इसीलिए जरा सा देखिए इसे भून लेते हैं अच्छे से। जरा सा पानी डाल देते हैं, 1-2 बूंद पानी, ऐसे अच्छे से भून लेते हैं, तब तक ये कच्चापन नहीं जाता है इसका अदरक लहसुन का, तब तक इसे फ्राई कर लेते हैं और प्याज भी हमारी नरम हो जाएगी बिल्कुल। और जो हम बना रहे हैं ये टिंडे गोश्त, इसका मज़ा बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। साथ साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे, घर का है ग्रीन चिली जो आता है वो पेस्ट है, ये घर का नहीं है। इसी के साथ साथ मसाले भी डाल देंगे सारे, थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए, आपके पास नहीं हो चिली पेस्ट तो आप घर का भी पीस के डाल सकते हैं या काट के डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए ये भुनने लगा, मसाला फूलने भी लगा हमारा, आप देख सकते हैं ऑयल आ गया, थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम इसमें और फिर पकाएंगे 2 चम्मच के करीब। इससे मसाला अच्छे से फूल जाएगा और भून भी जाएगा, बाद में ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए पानी हमारा खुशक हो गया, ऑयल सब ऊपर आ गया, 1 से 1.5 मिनट ही लगा। इसे टमाटर डाल देंगे
थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसके साथ साथ। टमाटर भी अच्छे से नरम हो जाएंगे, बिल्कुल मैश हो जाएंगे। और बस और फिर दिखाते हैं, ये भी 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे भूनने में अच्छे से, और टमाटर भी नरम हो जाएंगे हमारे। और फिर इसमें हम गोश्त डालेंगे। ये देखिए अभी हमने तेजी आंच कर रखी है, चूल्हे को फुल फ्लेम हुआ है, हल्का लेंगे बिल्कुल। और इसी में ही हम चलाते हुए ही भूनेंगे इसे खुला हुआ ऐसी। ये अच्छे से नरम हो जाएंगे, लाल टमाटर हैं तो ये जल्दी नरम हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मसाले में से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है सारे मसालों की, बहुत ही अच्छा बनने वाला है ये। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं सारा ऑयल ऊपर आ गया और टमाटर भी अच्छे से नरम हो गए बिल्कुल। ये देखिए मसाले में ये दाने दाने से पड़ने लगा, इसकी यही पहचान होती है मसाला भुनने की। जरा सा और भुनेंगे बस। बाद में इतने भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये हाथ के हाथ पकते ही आप खा सकते हैं। बस 25 से 30 मिनट लगते हैं पकने में, पहले से ही आप ऐसे ही करके पकाएंगे तो बहुत जल्दी पक जाता है, तैयारी तो पहले से ही हुई भी होती है सब चीज की। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया और इसका कलर ये रेड रेड सा हो रहा है बिल्कुल, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो डाला है इसकी वजह से। गोश्त डाल देते हैं, अच्छे से भून लेते हैं गोश्त को मसाले में। आप किसी में भी बना सकते हैं, चिकन में या मटन में, जिसमें आपकी मर्जी है। अच्छे से भून लेते हैं मिनट, अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, जो इसमें गोश्त में नरमपन है वो भी दूर हो जाएगा। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पकने के बाद, और सारा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, अभी जो ऑयल खत्म हो गया ये इसको गोश्त को डालने से। कोरमा बिरयानी तो सभी खाते हैं मेहमान आते हैं तो, और आप घर की चीजें जैसे ये आम चीजें होती हैं ये बना के खिलाएं तो उन्हें इसमें भी बिल्कुल ऐसे मजा आएगा और तारीफ करेंगे सबकी। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोरमा बिरयानी से भागते हैं तो घर के ही खाना पसंद करते हैं, तो आप उन्हें ये बना के खिलाएं ऐसी चीजें। हमारे चैनल पर और भी डली हुई चीजें बना के खिलाएं तो वो उसमें बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही दुआएं मिलेंगी आपको। आप हमारे तरीके से जरूर बना के देखिए, आपका दिल भी खुश होगा खिलाने के बाद। ये देखिए हमें कितनी दुआएं मिली। बस इसका ऑयल ऊपर आ जाए और फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। टमाटर प्यूरे भी डाल सकते हैं या पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, हमने महीन काट के डाले थे तो आपकी मर्जी, आप जैसे डालना चाहें वैसे डाल सकते हैं। ये देखिए सब ऑयल ऊपर आ गया और गोश्त अच्छे से भुन गया इसके अंदर, और आप देख सकते हैं सारा ऑयल ऊपर आ गया। ये देखिए इसमें हम पानी डाल के गलने के लिए छोड़ेंगे। ये हमने 1 लीटर पानी लिया है, 1 बोतल से कम है, और गलने के लिए आप पानी डालेंगे। ये
इसे 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए हमने आधा लीटर पानी डाल दिया और इतना भी बाकी है ये, और 1 लीटर से कम है ये हमारा बाउल। इसे अब बंद कर देते हैं, 15 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। इसे एक सीटी हम थोड़ी तेज आंच पे लगाएंगे और फिर थोड़ा सा हल्का कर देंगे और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए 15 मिनट मैंने चूल्हा बंद कर दिया, खोल के देख लेते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है, रोगन भी आप देखिए ऊपर आ गया सारा तेल भी। चूल्हे को जला लेते हैं। गोश्त गल गया बिल्कुल, देखिए चूल्हा थोड़ा हल्का कर लेते हैं। देखिए गोश्त गल गया बिल्कुल, अच्छे से हाथ से यूं ही टूट गया। इसे ज्यादा भूनने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही भून लिया था। तो इसमें टिंडे डाल देते हैं, सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और गलने के लिए छोड़ेंगे। इसे 2 सीटी देंगे, 2 सीटी देते ही फौरन खोल देंगे। हमने आधा गिलास पानी डाला है बस इसमें, और ज्यादा शोरबा चाहिए तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसे बंद कर देते हैं और 2 सीटी लगाते हैं तेज आंच पे। 2 सीटी लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। 2 सीटी लगाने के बाद बस 2 सीटी लगा के और फौरन खोल देंगे हम इसे, भाप में नहीं छोड़ेंगे नहीं तो वो घुट जाएगा। वो पीस साबुत साबुत अच्छे लगते हैं खाने में। और दिखाते हैं 2 सीटी लगाने। देखिए 2 सीटियां लगा दी है हमने टिंडे डाल के। सीटी में बिल्कुल सही गल रहा है ये, आप देख सकते हैं। मैंने 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए बिल्कुल ये भाप में और हो जाएंगे पड़े पड़े इसमें, तो इनको ज्यादा गलाए नहीं, थोड़े से ऐसे ही रखें। ज्यादा सीटी दे देंगे तो वो उसके अंदर पानी भर जाता है और शिरवे का जो होता है और जो है वो घुटे घुटे से हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। और इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए उसे अच्छे से हिला देते हैं और इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसमें रोगन आ जाएगा। और फिर दिखाते हैं आपको, 2 मिनट के बाद दिखाते हैं। शुरू आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज्यादा। देखिए देखिए हमारा टिंडा गोश्त बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और कितना अच्छा लग रही है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं।
बहुत ही अच्छी, खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है इसमें से, और मसालेदार चटपटा बना हुआ है बिल्कुल। ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम हर वीडियो में यही कहते हैं, और शेयर भी जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।